डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पारगम्यता। देखिए, पारगम्यता क्या है? पदार्थ के अणु का झिल्ली के अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारगम्यता, कि पदार्थ के अणु झिल्ली के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर एक हम बात कर रहे हैं पारगम्य झिल्ली। देखिए, वह झिल्ली जो विलायक, घुलने वाले को विलायक बोलेंगे और घुलने वाले को क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। वह झिल्ली जो विलायक एवं विलय के अणु को जाने देती है पारगम्य झिल्ली कहलाती है। कि जो विलायक को भी और विलय दोनों के अणु को जाने देने वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्ली। जैसे कोशिका भित्ति है, कैसी झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है। फिल्टर पत्र होता है, कैसा होता है? पारगम्य होता है। हम बात करेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध नाम से मालूम है कि वह झिल्ली जो विलायक के लिए पारगम्य होती है तथा विलय के लिए अपारगम्य होती है, यानी विलय को जाने से रोकती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कृत्रिम झिल्लियाँ आती हैं, अंडे की झिल्लियाँ हैं, पार्चमेंट, चरम पत्र बोलते हैं, सेलोफेन बोलते हैं, अर्थात कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली होती हैं। ये सब क्या होती? कृत्रिम झिल्लियाँ होती हैं। अर्थात कैसी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। तो अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ, पहले लाइनों को इरेज कर देता हूँ। देखिए, चयनात्मक, विभेदात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वह झिल्ली जो विलायक के साथ साथ कुछ विशेष विलय पदार्थ के लिए पारगम्य होती है, उसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली है, टोनोप्लास्ट जिसे रिक्तिका झिल्ली बोलते हैं, अंगकों की झिल्लियाँ होती हैं, वो कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती हैं। कि जो कुछ विशेष विलय पदार्थ के लिए क्या होती हैं? पारगम्य होती है, अर्थात उनका चयन करके ही उन्हें क्या करती हैं? जाने देती हैं, उन्हें बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली याद रखिए प्रश्न पूछ लिया जाता है, टोनोप्लास्ट रिक्तिका झिल्ली है, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। अपारगम्य झिल्ली कि वह झिल्ली जो विलायक वह विलय दोनों को जाने से क्या करती है? रोकती है, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे उपत्वचा है, क्यूटिकल है जिसे बोलेंगे उपत्वचा या क्यूटिकल, सुवेरिन युक्त भित्तियां, क्यूटीन युक्त भित्तियां होती हैं, एक प्रकार से क्या होती है? अपारगम्य होती है। कॉर्क होता है, कॉर्क क्यूटीन युक्त भित्तियां होती हैं, सुवेरिन युक्त भित्तियां होती हैं, उपत्वचा क्यूटिकल होती है, कैसी होती है? अपारगम्य झिल्ली होती है, याद रखिए। देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता होती है, आपको ऑप्शन मिलेगा पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? चयनात्मक पारगम्य। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ अगले पेज के ऊपर, जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, वह झिल्ली जो विलायक के अणु को जाने देती है तथा विलय के अणु को जाने से रोकती है, उसे कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, याद रखें। तो मेन आपको एग्जाम्पल याद रखना है अर्ध पारगम्य झिल्ली के, पारगम्य झिल्ली के, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के, अपारगम्य झिल्ली के, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में से प्रश्न उठाएगा कि पूछ लिया गया उपत्वचा होती है, आपको ऑप्शन डालेगा अपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, आप तुरंत क्या बोलेंगे? अपारगम्य झिल्ली। तो आपको एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो इससे आगे अगले टॉपिक में कल बात करेंगे। धन्यवाद।